हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने सर्चेबल डेटा जो है वो कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, ताकि यूज़र या आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला क्लाइंट डेटा को फिल्टर करवा पाए और यहाँ फिर पर्टिकुलर डेटा को जो है वो सर्च करवा पाए। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक सिमुलेटर के अंदर जो है वो लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए Xcode के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ग्रोसरी एप्लीकेशन का डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो आप देख पा रहे हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैंने ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है और इसके लिए मैंने कलेक्शन व्यू को जो है वो यूज़ किया है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे बिस्किट, लेज, चिप्स या डिटर्जेंट पाउडर, जूस, इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे एक ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाए हुए हैं और ऊपर यहाँ पे एक सर्च बार मैंने जो है वो इम्प्लीमेंट की है। तो ये सर्च बार बेसिकली हमने यूआई सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का नेम इस तरीके से लिखता हूँ तो आप देख पा रहे हैं पार्ले कंपनी के दो प्रोडक्ट्स हैं और वो यहाँ पे सॉर्ट होके जो है मेरे सामने डिस्प्ले हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ चिप्स, तो अब आप देख पा रहे हैं मेरे पास चार तरह के जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जो फिल्टर होने के बाद यहाँ पे ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो अगर मैं लेज चिप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं आउटपुट विंडो के अंदर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पर क्लिक किया है उसका जो यहाँ पे डिटेल है वो यहाँ पे आउटपुट विंडो के अंदर डिस्प्ले हो चुकी है। तो ये एक बोनस कोड है जो इस एग्जांपल के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो डेटा फिल्टर हुआ है उसके बाद भी आप अगर यूज़र जो है वो क्लिक करता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो आप उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मेरे पास यहाँ पर कैंसिल बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं फिर से जो है वो लिस्ट हो चुके हैं कलेक्शन व्यू के अंदर। और अब मैं अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे मैंने ओरियो के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख पा रहे हैं अब भी जो डिटेक्शन है वो बिल्कुल सही प्रोडक्ट की जो है वो निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की एग्जाम्पल। अब मैं आपको अगर थोड़ा सा थ्योरी के रिलेटेड इसके बारे में बताऊँ तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास है वो iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है। ये डिज़ाइन की गई है ताकि आप किसी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के अंदर एक सर्च वाला जो इंटरफेस है या फिर डेटा को फिल्टर करने वाला इंटरफेस है वो इंटीग्रेट कर पाएँ। तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास है उसके अंदर आपको UI सर्च बार जो क्लास है वो इंक्लूडेड मिलती है। कहने का मतलब अब आप इस तरीके का एक इंटरफेस तैयार कर सकते हैं जिसमें यूज़र जो है वो सर्च का जो टेक्स्ट है वो एंटर कर सकता है। सर्च कंट्रोलर के साथ आपको काफ़ी सारे डेलीगेट्स और प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं जिनके आपको कंपलसरी मेथड्स या उससे अलावा एक्सिलरी जो मेथड्स हैं वो आप कोड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अगर मैं बात करूं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड यूआई सर्च कंट्रोलर का, तो वो है अपडेट सर्च रिजल्ट्स मेथड। तो ये मेथड जो है बार बार कॉल होता है जब भी यूज़र इस सर्च बार के अंदर कुछ भी जो है वो सर्च करने की जो है वो कोशिश करता है इस तरीके से, तो आपका जो मेथड है अपडेट सर्च रिजल्ट ये कॉल होगा और आपने जो भी डेटा को सॉर्ट करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए कोड लिखा होगा वो पर्टिकुलर कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा और आपकी आउटपुट जो है वो यहाँ पे इस तरीके से निकल के जो है वो आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी थ्योरी। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये वाली एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिकली Xcode के अंदर किस तरीके से
वेरी सिंपल मेथड के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो काफ़ी सारे वीडियो जो हैं वो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं इसके रिलेटेड, मगर हमने जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे निकाल के लाए हैं वो काफ़ी सिंपल एग्ज़ाम्पल है और काफ़ी इफ़ेक्टिव एग्ज़ाम्पल है, और साथ में आपको कंसेप्ट जो है वो हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कैसे आप जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम जो है वो बिगिनिंग से शुरू करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे सिंगल व्यू एप्लीकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से आज की एग्जांपल का जो नेम है वो दे देता हूँ, बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो करेंगे स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फोल्डर जो है वो क्रिएट करना है ताकि आज की जो एग्ज़ाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, और इस फोल्डर के अंदर मैं पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं आपको अगर बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो मेरे पास स्विफ्ट का वर्जन है वो है स्विफ्ट 5, और अगर बात करें एक्सकोड के वर्जन की तो ये है हमारे पास 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप ये वाली एग्जांपल जो है उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और चलिए अब हम जो है अपना इम्प्लीमेंटेशन वाला जो जो यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क है वो हम करेंगे। तो इस एग्जांपल के लिए आपके पास सबसे पहले जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है कि आपके पास जो इमेजेस हैं, जो प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं, वो इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है वो होनी चाहिए। तो मैंने पहले से ही जो है वो इंटरनेट से जो रिसोर्स वाली जो आपकी फ़ोटोज़ हैं वो मैंने पहले ही इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है मेरा वो फोल्डर। तो यहाँ पे ग्रॉसरी की जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमेजेस जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ तो आप डायमेंशन जो है प्रोडक्ट की कोई भी ले सकते हैं इमेज की। तो इमेज आप JPG फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, PNG फॉर्मेट में भी जो है वो ले सकते हैं। तो मैं इन सभी इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे चिप्स वाली इमेजेस को भी ले लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर की भी इमेजेस जो है वो यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जूस वाली जो इमेजेस है वो भी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो चलिए लास्ट में हम जो कैचअप वाली इमेजेस हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि डेटा हमारे पास जो है वो काफ़ी सारा जो है वो कलेक्ट हो पाए। तो अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो उसके लिए इस व्यू कंट्रोलर को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जो डॉट आप देख रहे हैं। अब हम एम्बेड इन जो हमारा यहाँ पे आइकॉन है इसके थ्रू नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। अब मैं इसको अलाइन कर देता हूँ दोनों को पैरेलल, और अब मैं इसको फिर से जूम कर देता हूँ। तो चलिए अब इस नेविगेशन आइटम जो ऊपर बाहर होती है इस पर क्लिक करेंगे, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे। अब हमने यहाँ पर टाइटल प्रोवाइड करना है, तो आप टाइटल जो है वो कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ब्रेन फोर कोड, और यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रॉसरी ऐप। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरी है उसका जो रिस्पॉन्स है वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचा पाएँ। तो चलिए
अब हमने इस लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है कलेक्शन व्यू। और जैसे ही आप कलेक्शन लिखेंगे पहला ही यूआई एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे निकल के आया है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कलेक्शन व्यू है वो मेरे मोबाइल की पूरी जो स्क्रीन है उसको स्पेस को जो है वो कवर अप कर पाए, तो उसके लिए मैं इस कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं इस ऐड कंस्ट्रेंट्स आइकॉन के ऊपर और यहाँ पे चारों साइडों पे मैं 0-0 जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। और कंस्ट्रेंट मार्जिन आप चाहते हैं लगा रहने दें तो रहने दें, अगर आप हटाना चाहते हैं तब भी आप हटा सकते हैं। तो ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। अब मैं साइज इंस्पेक्टर के अंदर चलता हूँ। इस कलेक्शन व्यू के सेल का जो साइज़ है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा विड्थ 200 और इसकी हाइट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 250। अब मैंने यहाँ पे जो मिनिमम स्पेसिंग है सेल में वो करनी है 5 और यहाँ पे लाइंस के लिए भी मैं कर देता हूँ 5। टॉप पे जो सेक्शन इंसर्ट है वो मैं कर देता हूँ 2, लेफ्ट पे 2 और राइट पे 2। चलिए इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप पहले से ही जो है वो अप्लाई कर दें। अब मैं इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर यहाँ पे पहले कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कलेक्शन सेल। अब इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर हम जो है एक इमेज और एक लेबल जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 2 UI एलिमेंट्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे लाइब्रेरी से। तो मैं लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ इमेज व्यू और इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। इसको मैं रीसाइज कर देता हूँ इमेज को और अब साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इस इमेज व्यू की मैं विड्थ जो है वो कर देता हूँ 196 और यहाँ पे जो हाइट है वो कर देता हूँ 175। और चलिए इसको थोड़ा सा अलाइन करके देख लेते हैं, थोड़ी और यहाँ पे कम कर देते हैं और चलिए 180 करके देख लेते हैं। चलिए ये ठीक है, तो इसको मैं सेंटर में हॉरिजेंटली अलाइन कर दिया है इमेज को और एक इमेज जो है वो यहाँ पे लगा के देख लें ताकि आपको पता लग पाए किस तरीके से इमेज जो है वो आपकी डिस्प्ले होगी जब आपकी एप्लीकेशन रन होगी। अब हमने इस लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू एक लेबल जो है वो सर्च करना है और इस लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे और इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ और इसको अलाइन जो है वो सेंटर में कर देते हैं यहाँ पे। इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं और यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख के देख लेते हैं क्या वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाता। अब मैं इसे टी आइकॉन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो स्टाइल है इसका वो बोल्ड कर दूंगा, डन करूँगा और इसका कलर जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर जो है ब्लैक कर देता हूँ और जो बैकग्राउंड यहाँ पे कलर है वो मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। तो चलिए इस तरीके से हमारा जो लेबल है वो अब निकल के आ रहा है। डिटर्जेंट के जो स्पेलिंग है वो थोड़े से मैं ठीक कर देता हूँ। चलिए अब हमने इस इमेज व्यू और इस लेबल के ऊपर जो है कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे। इस इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से इसके कंस्ट्रेंट्स जो है वो अप्लाई कर देते हैं। टॉप पे हम जो है वो यहाँ पे पहले तो कंस्ट्रेंट टू मार्जिन हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लीडिंग ट्रेलिंग और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 175 जो है वो कर देते हैं और ऐड कर देते हैं इसे एज ए कंस्ट्रेंट। चलिए कंस्ट्रेंट्स मेरे अप्लाई हो चुके हैं। इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर से उसी तरीके से कंस्ट्रेंट टू मार्जिन हटा देते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं टॉप लीडिंग ट्रेलिंग और यहाँ पे जो हाइट है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 25 और इसे ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। तो अब आप देख पा रहे हैं मेरे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस कलेक्शन व्यू सेल के लिए एक मैं कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करूँ। तो कस्टम क्लास को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक नई फाइल जो है वो ऐड करते हैं। जो फाइल का नेम होगा वो होगा कोकोआ टच क्लास। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे देखना है जो क्लास आप क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी जो सुपर क्लास है वो होनी चाहिए UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास
और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी सुपर क्लास हो उसका नेम होना चाहिए यू आई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और जो लैंग्वेज है वो हम फिर से स्विफ्ट ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट कर देते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं मेरी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। इस कस्टम क्लास को हमने कलेक्शन व्यू के सेल के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, यहाँ पे स्टोरी बोर्ड पर क्लिक करते हैं, कलेक्शन सेल के ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर सिलेक्शन करते हैं, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जैसे ही हम क्लास का नेम लिखेंगे और मेरे पास पूरे का पूरा नेम जो है वो अपने आप निकल के आएगा। अब हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और इसको एक बार जो है वो सेव कर देते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कलेक्शन व्यू सेल के साथ मेरी जो कस्टम क्लास है वो अटैच हो चुकी है। अब हम जो है इस इमेज और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो अपनी कस्टम क्लास के अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो सर्कल जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं, तो ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। असिस्टेंट एडिटर से जो आईबी आउटलेट्स क्रिएट करना काफ़ी ईजी हो जाता है, तो मैं मोस्टली यही मेथड जो है वो यूज़ करता हूँ। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली जो है वो मेरी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो देख पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो ये है व्यू कंट्रोलर, मगर हमने यूज़ कौन सी करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो उसके लिए ऑटोमेटिक की जगह पे हमने मैनुअल के थ्रू यहाँ पे क्लास ओपन करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और इसके अंदर अब हम इस इमेज का यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करना है। इमेज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे नेम रखेंगे आईबी आउटलेट का माई इमेज। नेम आप कोई भी रख सकते हैं और इसे कनेक्ट कर देते हैं। बस आपको जो नेम यहाँ पे यूज़ किया है वही नेम कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने इस लेबल को सिलेक्ट करना है और उसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। और यहाँ पे लेबल जो है वो मैं आईबी आउटलेट जो लेबल का वो रख देता हूँ माई लेबल, और इसे भी हम जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं मेरे जो आईबी आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब मैं फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलता हूँ, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करता हूँ। अब मैंने अपने इस एग्ज़ाम्पल के लिए एक डेटा सोर्स जो है वो तैयार करना है। तो डेटा सोर्स के लिए मैं एक कस्टम या कह सकते हो यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो वो किस तरीके से करूँगा, यहाँ पे ऐड करते हैं फाइल, स्विफ्ट फाइल ऐड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप इस फाइल का नेम जो है वो कोई भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे रख देता हूँ ग्रॉसरी डेटा और इसे क्रिएट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ क्लास, और यहाँ पे नेम रखूँगा ग्रॉसरी डेटा। और अब हमने यहाँ पे इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लेने हैं, तो मैं यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स यूज़ करूँगा। आइटम का नेम जो प्रोडक्ट का नेम होगा उसको स्ट्रिंग टाइप का लूँगा, और एक होगा आइटम की इमेज और इसे भी मैं जो है वो स्ट्रिंग टाइप का जो है वो यूज़ करूँगा। चलिए अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मेथड ऐड करता हूँ इनिट मेथड। आई नेम जो है वो आइटम नेम के लिए होगा इसका पैरामीटर, और आई इमेज जो है वो आइटम इमेज के लिए होगा यहाँ पे, वो भी स्ट्रिंग टाइप का। अब मैं एक्चुअल वेरिएबल्स को इन पैरामीटर के वेरिएबल के साथ जो है वो सेट करूँगा। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले आइटम नेम इक्वल टू आई नेम, आइटम इमेज इक्वल टू आई इमेज। तो इस तरीके से मैं जो है दोनों ही जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा, तो मेरे पास जो कस्टम या यूज़र डिफाइंड जो यहाँ पे क्लास है वो बन चुकी है। अब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स की जो एक एरे है वो क्रिएट करेंगे और
उसी में सारे का सारा डेटा जो है वो फिल करेंगे और बाद में उसे एज ए डेटा सोर्स जो है वो हम अपनी जो कलेक्शन व्यू है उसके साथ जो है वो अटैच करके यूज़ करेंगे। तो वो किस तरीके से करना है, व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे एक कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की एक एरे जो है वो यहाँ पे आइटम लिस्ट इस तरीके से एक वेरिएबल की एरे जो है वो क्रिएट करनी है। और किस टाइप की एरे होगी, ग्रॉसरी डेटा टाइप की एरे होगी, इसको अभी के लिए हम ब्लैंक जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो अब इसके अंदर डेटा फिल करवाने के लिए हमने एक अलग से यहाँ पे एक मेथड जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे मेथड कर देता हूँ क्रिएट प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा नाम का जो मेथड है वो होगा। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके बताऊँगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने खुद जो है वो क्रिएट करने हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट आइटम वन इक्वल टू ग्रॉसरी डेटा और यहाँ पे ऐड करेंगे इसका कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप आइटम नेम और आइटम इमेज का नेम और इसे अभी के लिए ब्लैंक रहने देते हैं और इसे अपेंड कर देते हैं अपनी आइटम लिस्ट के अंदर। तो चलिए इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया और उसको अपेंड कर दिया, ऐड कर दिया आइटम लिस्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे कौन सा नेम लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना जो यहाँ पे इमेजेस हैं वो ओपन कीजिए। यहाँ पे मैंने जैसे बिस्किट की इमेजेस जो हैं वो ओपन की है। सबसे ऊपर मेरे पास है 50-50 का जो पैकेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसका नेम जो है वो प्रॉपरली हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50-50 मस्का चस्का। तो इस तरीके से नेम इसका है बिस्किट का और इमेज का नेम जो सेम नेम यहाँ पे है जेपीजी विदाउट जेपीजी वो हमने यहाँ पे लिखना है 50। तो स्पेलिंग बिल्कुल मैच करने चाहिए, नहीं तो आपकी इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे मैंने सेम नेम लिख दिया है विदाउट एक्सटेंशन। अब हम बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारी बाकी इमेजेस हैं उनके जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके उनको हम जो है वो एरे के अंदर अपेंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोड जो है वो पहले से लिखा हुआ है ताकि यहाँ पे मेरा जो टाइम जो है वो आपका टाइम भी जो है वो सेव हो पाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना बता दिया है, बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने खुद क्रिएट करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने कोड जो है वो पहले ही कॉपी कर लिया और यहाँ पे कमांड वी के थ्रू जो है वो इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने आइटम वन से लेके मैंने आइटम 25 तक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करता गया हूँ वन बाय वन और हर एक इमेज के अकॉर्डिंगली उसका इमेज नेम और उसका प्रॉपर प्रोडक्ट का नेम जो है वो लिखता गया हूँ और उसे अपेंड करता गया हूँ अपनी आइटम लिस्ट के अंदर। अब मेरे पास जो डेटा सोर्स है वो भी रेडी है। अब हम फर्दर जो है वो अपनी डेवलपमेंट जो है वो करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपनी फर्दर जो डेवलपमेंट है वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और ऊपर मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ करूँगा सर्चिंग। तो ये बेसिकली ऐसा वेरिएबल है, बूलियन टाइप का वेरिएबल होगा जिसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉल्स यहाँ पे रखा है। जब यूज़र जो है वो सर्च बार के अंदर सर्चिंग स्टार्ट करेगा तब हम इस बूलियन वेरिएबल को डिटेक्शन के तौर पे यहाँ पे ट्रू करेंगे और फिर से जब यूज़र जो है वो सर्चिंग बंद कर देगा तब हम इसको फॉल्स कर देंगे। तो ये बेसिकली इसी के लिए मैंने जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है। तो चलिए एक यहाँ पे और एरे हम यूज़ करेंगे, सर्च्ड आइटम। किस टाइप की होगी ये एरे, ग्रॉसरी डेटा टाइप की होगी, इसको भी हम जो है वो ब्लैंक जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब हमने ये यूज़ क्यों की, सर्च्ड आइटम वाली एरे। तो बेसिकली जब हम फुल जो आइटम लिस्ट है इसमें से डेटा जब हम फिल्टर करके ग्रैब करेंगे तो उस फिल्टर्ड डेटा को या फिर सर्च्ड हुए हुए डेटा को हम सर्च्ड आइटम वाली जो एरे है हमारी उसके अंदर जो है वो स्टोर करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करते हैं, सर्च कंट्रोलर, UI सर्च कंट्रोलर टाइप का होगा। अब हमने यहाँ पे जो इनिशियलाइजर यूज़ करना है वो करना है थर्ड नंबर वाला, सर्च रिजल्ट्स कंट्रोलर।
और इसको निल पास करना है। अब आप पूछेंगे निल क्यों पास किया, क्योंकि जब आप सर्चिंग के बाद जो फिल्टर्ड डेटा है वो सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब आपने यहाँ पे निल पास करना है। अगर किसी और व्यू कंट्रोलर के अंदर उस फिल्टर्ड डेटा को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब आप उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर का जो क्लास का नेम है वो यहाँ पे जो है आप मेंशन करेंगे। तो इस तरीके का है हमारा सर्च कंट्रोलर। अब हमने इस सर्च कंट्रोलर को हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे एक डिफरेंट जो यूज़र डिफाइंड मेथड है वो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, फंक कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर। अब आपने यहाँ पे पहला जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो करनी है, एक मेथड आपने कॉल करना है लोड व्यू इफ़ नीडेड। अब आपने यहाँ पे सर्च कंट्रोलर के ऊपर जो उसके सर्च रिज़ल्ट अपडेटर जो प्रोटोकॉल या डेलीगेट कह सकते हो वो यहाँ पे सेल्फ़ के साथ करना है आपने सेट। अब आपने सर्च कंट्रोलर के थ्रू जो उसकी सर्च बार है उसका भी जो डेलीगेट है वो सेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेलीगेट इक्वल टू सेल्फ। तो अभी ये हमारे पास एरर डिस्प्ले जो है वो करेगा क्योंकि हमने अभी तक जो प्रोटोकॉल्स हैं वो मेंशन नहीं किए, उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो भी कोड नहीं किए। फर्दर आगे जब मैं उन मेथड्स को कोड करूँगा प्रोटोकॉल और डेलीगेट के रिलेटेड तब ये वाली एरर्स जो आप देख रहे हैं ये अपने आप जो है वो रिमूव हो जाएंगी। हम यहाँ पे और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब मैं यहाँ पे ऑब्स्क्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इसको फॉल्स कर देता हूँ ताकि जब यूज़र जो है वो सर्चिंग करे तब आपका जो व्यू कंट्रोलर है उसकी जो वो उसका जो व्यू है वो फेडेड नहीं होना चाहिए, वो डिम नहीं होना चाहिए, वो वैसे का वैसा ही रहना चाहिए, इसलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट उसकी अनेबल रिटर्न की ऑटोमेटिकली इसको आपने करना है फॉल्स। अब आपने यहाँ पे लिखना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट रिटर्न की इक्वल टू यहाँ पे हम करेंगे UI रिटर्न की टाइप डॉट डन। तो ये मैंने डन क्यों लिखा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली जब भी हम कोई डेटा को सर्च करते हैं तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन है कीबोर्ड के अंदर वो सर्च वाला बटन जो है वो आता है, मगर हम जो है सर्च बटन की जगह पे डन बटन को यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाली दो जो लाइन्स हैं वो लिखी हैं। जब मैं सिमुलेटर के अंदर एप्लीकेशन रन करूँगा तब मैं आपको इसके बारे में और भी थोड़ा सा बता दूँगा। तो चलिए अब हमने आगे लिखना है सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम और उसके जो हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रोलिंग वाली प्रॉपर्टी उसको फॉल्स करना है क्योंकि हम जो सर्च बार है वो परमानेंटली डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब लिखेंगे सर्च सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट उसका जो सर्च कंट्रोलर है वो किसके इक्वल होगा, जो सर्च कंट्रोलर वाला ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसके इक्वल कर देंगे इसको। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन प्रेजेंटेशन कंटेक्स्ट, इसको हम ट्रू करेंगे ताकि सर्च बार जो है वो सर्च कंट्रोलर के थ्रू जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट प्लेस होल्डर और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च प्रोडक्ट बाय नेम। तो ये जो है वो सर्च बार के अंदर डिस्प्ले होगा जिससे यूज़र को पता चल पाएगा कि जो सर्चिंग है वो बेसिकली प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंगली जो है वो होगी। अब हमने इस कॉन्फिगर सर्च कंट्रोलर को कॉल करना है, कहाँ पे कॉल करना है, तो उसके लिए हम व्यू डिड लोड मेथड को जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसकी मैं कमेंटिंग लाइन यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मेथड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने जो फिल डेटा अपना मेथड था ये वाला मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला मेथड इसको भी जो है हम व्यू डिड लोड मेथड के अंदर जो है वो कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको कॉल कर दिया है। तो चलिए अब हमने इस व्यू कंट्रोलर के अंदर अपना जो कलेक्शन व्यू है उसका IB आउटलेट जो है वो क्रिएट करना है। तो वो किस तरीके से क्रिएट करना है देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। मैं फिर से असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे माउस का कर्सर दो
जो सर्कल्स ज्वाइन किए हुए हैं वो बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। मैं बेसिकली असिस्टेंट एडिटर का ही यूज़ करता हूँ जब भी आई बी आउटलेट क्रिएट करता हूँ। इससे मुझे जो है वो काफ़ी आसानी रहती है, और मेरा जो मेथड है आई बी आउटलेट बनाने का वो यही है। और भी मेथड्स हैं, कभी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको उनके बारे में जो है वो बताऊँगा। तो अब बाई डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है माई कलेक्शन व्यू सेल। तो यहाँ पे मैं मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करूँगा वो करूँगा व्यू कंट्रोलर क्लास। और इसके अंदर अब हमने यहाँ पे इस कलेक्शन व्यू का आई बी आउटलेट क्रिएट करना है। तो मैं कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा माई कलेक्शन व्यू। इस आई बी आउटलेट का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंगली जो नेम है वो रख रहा हूँ यहाँ पे। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलता हूँ, बाकी विंडोज़ को अनहाइड करते हैं। अब इस माई कलेक्शन व्यू का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, इसका मैंने आई बी आउटलेट तो क्रिएट कर दिया। अब इसके जो डेलीगेट और जो प्रोटोकॉल्स, डेलीगेट और जो डेटा सोर्स हैं वो हम सेट करेंगे। तो फिर से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले डेटा सोर्स, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे डेलीगेट। डेटा सोर्स और डेलीगेट मैंने दोनों ही जो है वो सेट कर दिए हैं। अब इसको एक बार सेव कर लेते हैं और अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और बाकी अपनी जो प्रोटोकॉल्स को किस तरीके से हमने डिफाइन करना है, कलेक्शन व्यू को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसकी जो कोडिंग है अब हम जो है वो फर्दर करेंगे। तो कोडिंग बड़ी सिंपल और ईजी है, केयरफुली आप कोडिंग को फॉलो कीजिए। और ये वाली एग्जांपल जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके लिए जब भी आप कोई एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक्सटेंशन यूज़ करूँगा सबसे बाहर, और व्यू कंट्रोलर। अब हमने यहाँ पे फोर प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है, कलेक्शन व्यू डेलीगेट यू आई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, और यहाँ पे यू आई सर्च रिजल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल, और यहाँ पे यू आई सर्च बार डेलीगेट। तो इस तरीके से चार प्रोटोकॉल्स को हमने यूज़ करना है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ेंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरे जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो बन चुका है। अब हमने इनको कोड करना है। तो कोड बड़ा ईजी है। सबसे पहला मेथड है हमारे पास जो पैरामीटराइज मेथड है, नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन। तो ये कलेक्शन व्यू मेथड है, इसके अंदर जो पैरामीटर है वो आपने देखना है, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होनी चाहिए सेक्शंस के अंदर, कलेक्शन व्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा, अगर तो सर्चिंग वाला जो मेरा बूलियन वेरिएबल है वो ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। दो तरीके से हम लेके चल रहे हैं कंडीशन, अगर तो सर्चिंग चल रही है तो एक हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो दूसरा ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर तो सर्चिंग चल रही है तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे सर्च्ड आइटम, जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसकी काउंटिंग जो है वो इस तरीके से रिटर्न करेंगे। और अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो यहाँ पे जो हमारी आइटम लिस्ट वाली फुल एरे थी उसकी जो काउंटिंग है वो यहाँ पे एज ए नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन जो है वो रिटर्न करेंगे। चलिए अब हमने सेल फॉर आइटम ऐड, ये वाले पैरामीटर वाला जो कलेक्शन व्यू का मेथड है इसको अब हमने कोड करना है। तो ये मेथड बेसिकली जब भी आप कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल है उसको प्रोग्रामेटिकली जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस मेथड के अंदर कोडिंग लिखिए, आपका सेल जो है इसके अकॉर्डिंगली जो है वो बन पाएगा। तो मैं यहाँ पे अब कोड लिखूँगा, लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजबल सेल, जो इसको मेथड है वो कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर के अंदर इसका नेम लिखेंगे कलेक्शन सेल, फॉर के अंदर इंडेक्स पाथ, और अब हमने इसको टाइप कास्ट करना है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे आइडेंटिफायर मैंने कलेक्शन सेल क्यों यूज़ किया,
तो मैं आपको एक बात यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो कलेक्शन सेल का जो आइडेंटिफायर का नेम आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे लिखा था, सेम नेम हमने स्विफ्ट की कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है। तो जो नेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं फिर व्यू कंट्रोलर के अंदर चलता हूँ फिर से, और यहाँ पर फर्दर जो डेवलपमेंट है वो करते हैं। फिर से यहाँ पर दो जो ब्लॉक्स हैं वो क्रिएट करते हैं, अगर तो सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक, और अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सेल डॉट माई इमेज डॉट इमेज इक्वल टू यू आई इमेज, और नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, आइटम लिस्ट हमारी जो कम्प्लीट एरे थी उसमें से आएगा। कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स डॉट पाथ डॉट रो के थ्रू सेस करेंगे। कौन सा एट्रीब्यूट, आइटम इमेज। और इसी तरीके से सेल डॉट माई लेबल को हम उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, आइटम लिस्ट में से आएगा। कौन सा एलिमेंट वो हम असेस करेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू। कौन सा उसका एट्रीब्यूट, आइटम नेम। अब हमने इसी कोड को यहाँ से कॉपी करना है और ऊपर सर्चिंग में पेस्ट करना है, और चेंजेस क्या करनी है, जहाँ पे हमने आइटम लिस्ट एरे यूज़ की है इसकी जगह पे हमने सर्च्ड आइटम वाली जो एरे थी वो यूज़ करनी है, क्योंकि इफ़ वाले ब्लॉक में हमारी सर्चिंग जो है वो चल रही है, तो सर्च्ड आइटम इस तरीके से। और लास्ट में हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक सेल के चारों साइड्स पे एक बॉर्डर जो है वो हमें नज़र आए, बॉर्डर ब्लैक कलर का हो इस तरीके से हम चाहते हैं, तो उसके लिए कोड लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू यू आई कलर डॉट ब्लैक डॉट सी जी कलर में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर की जो विड्थ है वो हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ और रिटर्न करूँगा इस सेल को। तो चलिए इस तरीके से हमारा सेल जो है वो कोड हो चुका है। अब हमने कोडिंग जो करनी, आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम जो कोड करेंगे वो करेंगे इस अपडेट सर्च रिजल्ट्स में। तो यहाँ पे हम कोड लिख, ये वाला मेथड तब कॉल होगा जब यूज़र जो है वो अपनी सर्चिंग जो है वो स्टार्ट करेगा। कहने का मतलब सर्च बार के अंदर डेटा सर्च करने की जो है यूज़र कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे सर्च टेक्स्ट, वो कहाँ से आएगा, सर्च कंट्रोलर की सर्च बार में से, और यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को अनरैप करेंगे फॉर्सली। अब हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे क्या हमारा जो सर्च टेक्स्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है, अगर तो एम्प्टी नहीं है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर वो एम्प्टी है तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स वाले ब्लॉक को पहले यहाँ पे कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमने एल्स वाले ब्लॉक के अंदर लिखना है सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स सर्च्ड आइटम डॉट रिमूव ऑल, और जो हमारी सर्च आइटम थी वो किसके इक्वल हमने करनी है, फुल लिस्ट के इक्वल करनी है क्योंकि सर्चिंग हमारी नहीं चल रही। और अगर तो यहाँ पे सर्चिंग जो यूज़र ने सर्च करने के लिए टेक्स्ट टाइप किया है वो एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ पे हम करेंगे सर्चिंग इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे सर्च आइटम डॉट पुराना डेटा रिमूव करेंगे सारा, फॉर लूप को यूज़ करेंगे, हर एक आइटम को चेक करेंगे, आइटम लिस्ट के अंदर देखेंगे उसका जो सर्च टेक्स्ट है जो यूज़र ने सर्च करने की कोशिश की है वो क्या आइटम नेम के अंदर कंटेन करता है, अगर तो कंटेन करता है तो उस पर्टिकुलर आइटम को हम सर्च्ड वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसके अंदर अपेंड करते जाएंगे। तो वो किस तरीके से करना है, इफ़ आइटम डॉट आइटम नेम डॉट लोड केस डॉट कंटेंस वाला मेथड कॉल करेंगे, और किसके साथ उसको मैच करना है, सर्च टेक्स्ट के साथ, फिर से लोड केस में कन्वर्ट करेंगे। और अगर तो वो डेटा अवेलेबल होता है उस पर्टिकुलर आइटम के अंदर तो हम सर्च्ड आइटम में जो है वो पर्टिकुलर डेटा जो है वो अपेंड करेंगे। यहाँ पे आइटम लिख देते हैं, चलिए इस तरीके से। इस तरीके से हमारा जो फिल्टरिंग वाला प्रोसेस है वो हमारा जो है वो इस तरीके से अप्लाई होगा। और यहाँ पे हम माई कलेक्शन व्यू को जो है एक बार रीलोड करेंगे ताकि हमारा जो डेटा है पर्टिकुलर जो फिल्टर डेटा है वो डिस्प्ले हो पाए।
तो आप चाहें तो फिर से वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं फर्दर एक मेथड और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि यूज़र जब कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करेगा सर्च बार के अंदर, तब मेरे पास जो फिल्टर डेटा है वो रिमूव होने के बाद सारे का सारा डेटा फिर से जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए कलेक्शन व्यू के अंदर। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक्ड, और यहाँ पे हम करेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स, सर्च्ड आइटम्स के अंदर सारे का सारा डेटा रिमूव करेंगे और माई कलेक्शन व्यू को जो है वो रीलोड करेंगे ताकि प्रॉपर डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाए। अब हम एक मेथड और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि यूज़र जैसे ही किसी प्रोडक्ट के ऊपर चाहे विदाउट सर्चिंग चाहे सर्च करने के बाद जो है वो टच करे क्लिक करे, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेक्शन होनी चाहिए आपके पास कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़र ने सेलेक्ट किया है या फिर क्लिक किया है। तो उसके लिए डिड सेलेक्ट इस तरीके का जो मेथड है पैरामीटर वाला वो हम कोड करेंगे। आप देख लें यहाँ पे कोडिंग बड़ी सिंपल है। इफ़ तो सर्चिंग चल रही है तब हमने इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना है, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना है। अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यू हैव क्लिक्ड ऑन प्रोडक्ट, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। आइटम लिस्ट में से डेटा को डिटेक्ट करेंगे कौन सा डेटा, वो हम इंडेक्स बार डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे, और कौन सा एलिमेंट आइटम नेम। अब हमने इसी कोड को कॉपी करना है ऊपर कमांड वी के थ्रू पेस्ट करना है, और यहाँ पे जो आइटम लिस्ट है इसकी जगह पे हमने लिखनी है सर्च्ड आइटम वाली जो फिल्टर्ड एरे थी वो, क्योंकि सर्चिंग जो है वो ट्रू है और इसका मतलब है सर्चिंग यूज़र कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके की हमारी कोडिंग है फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कोडिंग है वो हमने कर दी है। आप चाहें तो लास्ट वाली कोडिंग को भी वीडियो को यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो अब हमारे पास कोड भी रेडी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी रेडी है। इस ऐप को मैं यहाँ पे रन करता हूँ, बिल्ड करता हूँ, देखते हैं ये सिमुलेटर के अंदर किस तरीके से वर्क कर पाती है। ऐप विदाउट एरर जो है वो सक्सेसफुली जो है वो बिल्ड हो चुकी है, और सिमुलेटर के अंदर यहाँ पे मेरे पास अब इसका जो आउटपुट है वो अवेलेबल है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ग्रॉसरी की जो आइटम्स हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो यहाँ पे एक जो सर्च है वो अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं सबसे पहले लिखता हूँ चिप्स, तो आप देख पा रहे हैं चार चिप्स के पैकेट मेरे पास यहाँ पे सर्च होने के बाद जो है वो आ चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिटर्जेंट लिखने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं पांच तरीके के जो डिटर्जेंट है वो सर्च होने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे जूस लिखता हूँ तो दो तरीके के मेरे पास जो कंपनीज के जो बेवरेज जूस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, रियल फ्रूट जूस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं डिटेक्शन जो है वो मेरी हो चुकी है यहाँ पे कि यू हैव क्लिक्ड ऑन प्रोडक्ट रियल फ्रूट जूस। और अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं फिर से मेरे पास पूरे का पूरा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं विदाउट सर्चिंग किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने ओरियो के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख पा रहे हैं नीचे मेरे पास डिटेक्शन जो है वो हो चुकी है कि यू हैव क्लिक्ड ऑन प्रोडक्ट ओरियो। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इस तरीके से आप जो है एक सर्चिंग वाला इंटरफेस बड़े ईजिली जो है वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और जो फिल्टर डेटा है वो भी एज ए कलेक्शन व्यू के अंदर ही डिस्प्ले होगा। तो ईजिली जो है वो आप UI सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ जो है सर्चिंग जो है वो एम्बेड कर सकते हैं UI कलेक्शन व्यू के अंदर। तो अगर फ्रेंड्स आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से सर्चिंग वाली फैसिलिटी जो है वो एम्बेड करनी है एप्लीकेशन के अंदर iOS डिवाइसेस के लिए, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे ही हम अपलोड करें आपके पास पहुँच पाएँ। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।